हाय एवरीवन, मैं श्वेता श्वेता कुकिंग जोन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी पोटैटो लॉलीपॉप विथ मेयोनीज दही चटनी, जो बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आइए देखिए बनता कैसे है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेड सब्सक्राइब बटन को ग्रे करें मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, बेल आइकन को क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करें, ताकि उनके लिए भी ये यूज़फुल हो और हमें कमेंट करें। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, उसमें हम दो उबले हुए मैश्ड आलू ले लेंगे। इसे हमने हाथों से मैश कर लिया है, आप चाहें तो फोक से भी मैश कर सकते हैं, ये ठंडा हो गया है। अब इसमें हम एक कटा हुआ बारीक प्याज और दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई इसमें हम ले लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे दो चम्मच मैदा, अब इसमें हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स लगभग 4 से 5 बड़ा चम्मच। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप ब्रेड को मिक्सी में घुमा लीजिए और उसका ब्रेड क्रम्स तैयार कीजिए और इसमें डाल दीजिए। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, नमक स्वाद के अनुसार, आधा छोटा चम्मच मिर्ची का पाउडर क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका हम अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने डो तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे एक बॉल में लगभग एक चम्मच मैदा और इसका हम एक बैटर तैयार करेंगे। ना हमें ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा बैटर हमें बनाना है, और बिल्कुल अच्छा सा हमें बैटर बनाना है, लम्प्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ बैटर होना चाहिए। लगभग हमने दो चम्मच पानी डाला और ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स लेंगे, हाथों को थोड़ा हम चिकना कर लेते हैं और छोटा छोटा हम बॉल बना लेते हैं, छोटा छोटा ही बनाएंगे। ये देखिए हमने छोटा सा बॉल तैयार कर लिया, इसी तरह का बॉल हो जाना चाहिए। अब इसे हम बैटर में ले लेंगे और इसे इस तरह से हम लपेट लेंगे और इसे हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और ब्रेड क्रम्स से इसका हम कोटिंग कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से हम इसे कोट कर लेंगे। ये देखिए हमारा एक बॉल रेडी हो गया है, इसी तरह से हम सारा बॉल तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने तैयार कर लिया है। अब इसे हम लगभग 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए हमारा बॉल। अब हम पैन को गैस पर रख लेते हैं, गैस को ऑन कर लिया है मैंने। अब इसमें हम डालेंगे तेल, आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो ज़्यादा तेल भी डाल सकते हैं, मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ इसलिए कम तेल ही डाली हूँ। अब हमारा तेल अच्छा सा गर्म हो गया है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, लो फ्लेम पे हम इसे छानेंगे। सभी बॉल को इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए मैंने डाल दिया है, बिल्कुल इस तरह का बबल्स आना चाहिए, बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसे ना छाने, नहीं तो ऊपर से ही क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर पकेगा नहीं आपका बॉल्स, इसलिए फ्लेम को पहले हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हम दोनों साइड हल्का सा इसको ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए एक साइड को मैं पलट रही हूँ हल्का, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आया है, इस तरह का कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम ये देखिए मैंने थोड़ा सा चला दिया है, अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे, थोड़ा सा ही, ज़्यादा हाई हमें नहीं करना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, मैं दूसरे साइड पलट रही हूँ, थोड़ा सा मैंने फ्लेम को हाई कर लिया था, अब इसी तरह से हम दूसरे साइड भी कर लेंगे। वाह कितना खूबसूरत कलर आया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं,
ये देखिए हमने सभी को निकाल लिया है। एक प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर ले लिया है, उस पर हम इसे ले लेंगे। जो भी इसमें तेल होगा वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। वाओ, है ना खूबसूरत। अब हम बनाएंगे हमारा चटनी, मेयोनीज दही चटनी। अब हम एक चम्मच मेयोनीज लेंगे। अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है तो आप सिर्फ दही से भी चटनी बना सकते हैं। बहुत ही दही वाली भी जो चटनी होती है बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए एक चम्मच हमने मेयोनीज ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे दही, लगभग 3 चम्मच। आपको जितना बनाना है उस अनुसार ही ले। थोड़ा थिक वाला दही ले, पतली वाली दही ना ले। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच आमचून पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जिससे कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा हमारी चटनी में। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया, चटनी हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम अपना बॉल ले लेंगे, जो हमने बॉल अभी तैयार किया है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। या फिर आप इस तरह से टूथपिक लेकर लॉलीपॉप भी बना सकते हैं, जिसे देखने में भी खूबसूरत लगेगा और खाने में तो क्या कहने हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से डिप करिए और खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। चटनी तो बहुत ही टेस्टी होता है, डिप करके खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। वाओ, सो टेस्टी, सो यम। आप अपने घर पे जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करें कैसा लगा आपको। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और अपने सगे संबंधियों फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।